अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बन रही है चिकन दम बिरयानी, जिसके लिए मैंने लिया है 1.5 के जी चिकन। इसके बाद मैं इसमें मिलाऊंगी 300 ग्राम कर्ड, इसी में मैंने 5 हरी मिर्ची ली है, इसे ग्राइंड कर लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मैं 1 नींबू का जूस ऐड कर दूंगी और 1/2 टीस्पून शाहजीरा, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी, 5 लौंग, 5 इलायची इसमें ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 2 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून गरम मसाला। इन तमाम चीज़ों को हम मैरिनेट कर लेंगे अच्छे से। मैंने इसमें लाल मिर्ची कम डाली है क्योंकि मैंने हरी मिर्ची भी डाली है इसमें। इसी मैरिनेशन में मैं 1 छोटी प्याज कट कर ली है, कच्ची प्याज है, ये भी ऐड कर लें। 1 बंच कोथमीर हरे और 1 बंच पुदीना, 3 हरी मिर्चें और मैंने यहाँ छोटी मेथी ली है 1, इसे मैं डाल रही हूँ इसमें। आपके पास अगर सोया है तो वो भी डाल सकते हैं 1, मैं छोटी मेथी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 4 बड़े साइज के प्याज लिए है, इसे मैंने फ्राई कर लिया है, मैं इसे भी ऐड कर दूंगी। इन तमाम चीज़ों को आप मिक्स कर लें। इसी में मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड करूंगी। मैंने 1/2 कप कुनकुने दूध में 8 से 10 सैफ्रन के स्ट्रैंड्स डाले हैं, मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास मावा है, खोवा है तो वो भी डाल सकते हैं इसमें। हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे। इसी में मैं 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। इसी में मैं अनियन फ्राई करे सो ऑयल भी ऐड कर लूँगी। हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके, मैंने इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके रख दिया है। अब मैं इसे 1/2 आवर के लिए रेस्ट के लिए रखूँगी। आप चाहें तो 2 आवर्स तक भी रख सकते हैं इसे मिक्स करके मैरिनेशन करके। मैंने यहाँ पर 2 किलो बासमती राइस को 2-3 पानी से वॉश करके इसे 2 आवर्स के लिए सोक करके रखा है। अब हम हमारे नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। मैंने यहाँ पर 3 लीटर पानी को बॉयल करने के लिए रखा है। यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी 2 तेज़पत्ते, 5 इलायची, 4 से 5 लौंग, 1 बड़ा दालचीनी का टुकड़ा और 1/2 टीस्पून शाहजीरा। और इसी में मैं 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दूंगी। सॉल्ट आप अपने हिसाब से देख लें। थोड़ा सा हरा धनिया, कोथमीर, पुदीना और हरी मिर्चें डालकर इसमें हम अधन रख देंगे। हमारे पानी में भी बॉयल आ गया है, मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दूंगी और मैं इसमें अब चावल डाल दूंगी। अब मैं इसमें सारे चावल ऐड कर दूंगी। अब हमारा चावल में बॉयल आ गया है, मैं इसमें 1/2 लेमन जूस ऐड कर दूंगी। लेमन जूस हम पहले ऐड नहीं करेंगे क्योंकि चावल पकने में बहुत टाइम लगेगा। देखिए ये 70% पक चुका है, मैं अब इसे स्ट्रेन कर लूँगी। हम कच्ची यखनी की बना रहे हैं, वो चावल हमारा चिकन में दम हो जाएगा, अच्छे से कुक हो जाएगा। मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी। उन्होंने मैं चिकन को ऐड कर लिया है जिसमें मुझे बिरयानी दम देना है। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी, चावल की लेयर डाल दूँगी इसमें। देखिए ये 70-80% ही कुक हुआ है चावल। मैं 1 कप गरम वाटर, जो अधन का पानी है, वो ऐड कर दूंगी। और मैंने थोड़े से दूध में 1 कप दूध में 10 से 12 स्ट्रैंड सैफ्रन के ऐड किए हैं, ये भी ऐड कर दूंगी। और थोड़ा सा कलर भी ऐड करा था, येलो फूड कलर। और ये फ्राइड
फ्राइड अनियन का ऑयल है, ये भी हम ऐड कर देंगे इसमें। थोड़े से फ्राइड अनियन, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून घी को थोड़ा सा गरम कर लिया है, मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब ठंडा घी मत डालें, गरम घी डालें, थोड़ा सा गरम करके। अब मैं इसे आटे से सील कर दूंगी क्योंकि दम बिरयानी है, आप चाहे तो फॉइल से भी सील कर सकते हैं। इसे भाप अंदर ही रहेगी इसकी। भगोने को आटे से सील कर लिया है, इसे हम दम पे लगाएंगे 15 मिनट हाई फ्लेम पे और उसके बाद लो फ्लेम पे। अब मैंने इसे दम पे रखा है 15 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पे, उसके बाद मैं इसकी फ्लेम लो कर दूंगी। ये मैं इसे सील आउट कर लूँगी, सील निकाल लूँगी। मैं इसे सील आउट कर लेंगे। देखिए हमारी बिरयानी दम हो गई है, अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। देखिए बिरयानी अच्छे से दम हो गई है, मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। आप इसका चावल भी देखिए बहुत खिला खिला हुआ है। आप इसे घर पर बनाइए, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अल्लाह हाफिज़।